कि अंबेडकर चाहे कितने भी शिक्षित हो गए, उनके पास बहुत सारी उपलब्धियां थी, परंतु फिर भी वो समाज के लिए एक अछूत ही माने गए। नमस्कार साथियों, मैं ब्रजमोहन, आप देख रहे हैं जनता आवाज़। इस वक्त हूँ मैं दयाल कॉलेज दिल्ली में। यहाँ पर 14 अप्रैल के उपलक्ष्य में आज 13 अप्रैल को ही हिंदी विभाग द्वारा एक सेमिनार आयोजित किया गया, जहाँ पर विभिन्न छात्र छात्राओं ने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जीवन पर प्रकाश डाला। तो उन्हीं छात्रों में से हम बात करते हैं कि आखिर ये प्रोग्राम कैसा रहा और ये प्रोग्राम रखने का उद्देश्य क्या था, कैसी तैयारियाँ थीं। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम काजल है और मैं 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ। जैसा कि आपने बताया कि आज का हमारा प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा, और हम ये जानते हैं कि कल 14 अप्रैल है और उनका अंबेडकर जी का जन्मदिवस था, और उसके उपलक्ष्य में आज 13 अप्रैल को हमारे कॉलेज के द्वारा एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें कि हमारे प्रोफेसर ने हमें बताया कि जिस किस प्रकार से अंबेडकर ने अपने जीवन संघर्ष के माध्यम से लोगों को बहुत अच्छे तरीके से दलित के बारे में बताया, और दलित साहित्य के दलित विमर्श के बारे में उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किया है अपने विचार। तो मतलब क्या मतलब सीखने को मिला उनके विचारों से, जो आपको सुनने के मिले होंगे, उन क्या कुछ सीखने के लिए मिला आपको? मुझे ये सीखने के लिए मिला कि जिस तरीके से उन्होंने अपना मंतव्य रखा था अंबेडकर को लेकर के, तो उन्होंने एक बात कही थी कि अंबेडकर चाहे कितने भी शिक्षित हो गए, उनके पास बहुत सारी उपलब्धियां थी, परंतु फिर भी वो समाज के लिए एक अछूत ही माने गए। तो मेरा ये प्रश्न ये है कि समाज में जो सम्मान की दृष्टि है वो किस प्रकार की है? क्या कोई भी इंसान, अगर वो शिक्षित है या बहुत ज़्यादा सम्मान उसे मिलना चाहिए, अगर वो शिक्षित है या बहुत बड़े उपलक्ष्य पहुंच गया है, परंतु फिर भी उन्हें वो सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा गया? और आज भी ऐसे काफ़ी सारे लोग मिलते हैं जिनकी मानसिकता ये है कि अंबेडकर जो हैं वो विरोधी विचारधारा से हैं, और हम ये हमेशा इतिहास में पढ़ते आ रहे हैं कि गांधी और अंबेडकर दोनों की विचारधाराओं में मतभेद मिलते रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? जटा शंकर शर्मा। मेरा नाम जटा शंकर शर्मा है, मैं BA प्रथम वर्ष का छात्र हूं। क्या आज के प्रोग्राम से क्या सीखने को मिला? सीखने को यही मिला कि समाज में जो वंचित वर्ग है उनके प्रति हम अपनी संवेदना व्यक्त करते रहे हमेशा के लिए, क्योंकि संवेदना जो है वो कभी भी स्वयं वेदना नहीं हो सकती, वो कितनी भी गहरी हो। आज भी तमाम स्कूल कॉलेज ग्रामीण क्षेत्रों या शहरी क्षेत्रों, तमाम जातवाद के दंसा के सामने आते हैं, मतलब मामले सामने आते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? उनके लिए यही कहना चाहेंगे कि उनको समाज में अपने हितों के लिए लड़ना होगा, क्योंकि जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक जनता आवाज़ सुनेगी नहीं, और उनके प्रति भी मतलब एक सहानुभूति का भाव रखें और उनको आगे बढ़ाने के लिए उनको प्रेरित करते रहें। आपका क्या नाम है? नेहा तोमर, मैं BA प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। आज का जो सेमिनार हुआ उसमें क्या आपको हाईलाइट, क्या अच्छा लगा, मतलब क्या कुछ सीखने के लिए मिला? इसमें मुझे यही सीखने के लिए मिला कि स्त्रियों की मुक्ति कह देने मात्र से नहीं होगी, उसे मनुष्य के रूप में देखने की ज़रूरत है, मतलब आवश्यकता है। बाबा साहब, आपने प्रोग्राम सुना होगा, उसमें स्त्री विमर्श का बाबा साहब ने क्या कुछ कहा स्त्रियों के बारे में? यही उन्होंने हिंदी कोड बिल के माध्यम से ये बताया था कि स्त्रियों की सामाजिक तौर से और राजनीतिक तौर से और भी हैं। हमारे नाम है आपका? मेरा शेर जयंती को मतलब जो जयंती को प्लस प्रोग्राम मनाया गया है, जन जागरण कॉलेज से बढ़कर बिल्कुल पा पाएंगे। देखिए आप कॉलेज के वर्ष में उद्देश्य हूँ झारखंड कोई इनका जो समय है वो आता कहाँ? एक जहाँ जगह हो, वो है हमारा ये दयाल से, इस कॉलेज में बैठ के हम अरे बातचीत कर रहे हैं, जागरूकता फैला रहे हैं। तो निश्चित बात है कि बच्चे अपने घर में जाएंगे, जिस समाज में उस समाज में जाएंगे, तो उस समाज में उन बातों को ले जाएंगे, समाज में उस लोगों को रख। ऐसे मुझे लगता है कि ये जो चीज़ मतलब एक कॉलेज या विद्यालय में अगर हो तो वो समाज में अपने आप ही पहुँचता है। आपका क्या नाम है? तो क्या सीखने जी? बहुत कुछ सीखने को मिला, जो जैसे उनके बारे में सर ने बताया कि जो बहुत कुछ नहीं जानते थे, उनका जो मतलब वो आत्मकथा है उसमें वो जो उनको लिखी गई है, मतलब उनकी वेदना, वो कैसे झेले, कैसे कष्ट को सहे, फिर भी कष्ट को झेलते हुए आगे जीवन में कैसे बढ़े, वो सब सीखने को मिली कि हाँ एक आदमी को कितना दर्द जाता है समाज में, लेकिन वो आदमी जब उभरता है तो खुद का
मतलब अपराध नहीं करके पुलिस को लेकर चलता है, वो चाहे पूरा मतलब अपना सोसाइटी का अपना पैसा कमा सकते हैं, धन दौलत कमा के समाज में अच्छे अपना जीवन व्यापन व्याप्त है, लेकिन सबसे पहले मानव हित किसी के जरूरी सामाजिक और मतलब है सबसे बड़ी बात उन्होंने सिखाई हम लोगों के लिए। और हम गर्व की बात करते हैं कि उन्होंने संविधान लिखा तो दुनिया का संरक्षण करता है। अपने आईटी में ऐसे मामले देखने को मिले हैं जी, जी सोसाइटी में मैं हमारा हूँ तो उसमें देखिए छुआछूत करना ऐसा दिखता है, लेकिन यहाँ दिल्ली इस तरह कम बात हो कि आप समाज में दिखते हैं, मतलब सब में समानता दिख रही है। आप कुछ अपने में रखते हैं उनके लिए कुछ कहना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से? उनके लिए क्योंकि अच्छी होइए, क्योंकि विवेक ने कहा कि पहले आप पढ़ किसी पे सब ऐसी चीज है मैं इसमें जोड़ूंगा कि ये जो हम देखते हैं जाति व चीज है, ये सारी चीजें वजह से व्यक्ति में किसी को पीछे करना कम ज्ञान और अज्ञान हटेगी। अंतता को अगर हमने समाप्त कर दिया या हमने शिक्षित करने का प्रयास भी शिक्षित बच्चे सबको एक नई दिशा में ले जाएंगे। कहीं कहीं देखा जाता है को कहीं बेचने पूछने मर जाता है घोड़ी जाता तो एक का आदमी होता है उसे पूरा कम्युनिटी पूरे गांव रहता है लेकिन तो क्या नहीं रहते हैं आते आज में लिखे लोग रहते हैं लेकिन मैं ये बता रहा कोई चीज बूढ़ी वादी ना है दादा से चली आ रही है और पढ़े लिखे हैं वो पढ़े लिखे हुए इस चीज छोड़ लिए एकता की अगर आप और समाज केवल गिन 100 का ये 5 लोग पढ़े हैं तो उन 5 लोगों पर नहीं उठ पाती है।